السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا نظرين الكرام नशिस्त में आपके सामने ये बयान किया गया कि हर शख़्स किसी न किसी तरीके से ज़िम्मेदार होता है और उससे कयामत के दिन के अंदर उसकी ज़िम्मेदारी के ताल्लुक़ से सवाल किया जाएगा पूछा जाएगा आज की नशिस्त में हम आपके सामने बयान करेंगे कि एक बाप की इंसानी ज़िंदगी में क्या अहमियत है क्या मकाम है एक बाप की इंसानी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा मकाम है उसकी बहुत ही ज़्यादा कदर कीमत है इंसान होने के नाते हर इंसान किसी न किसी तरीक़े से अपनी ज़िंदगी में बाप का ज़रूरतमंद होता है उसके साय का हाजतमंद होता है खसूस अहद तफूलियत यानी बचपन के अंदर एक शख्स को अपने बाप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कहा जाता है कि बाप ही वो शख़्स है जो अपनी औलाद से कभी भी हसद नहीं कर सकता है दुनिया के अंदर जब कोई शख्स तरक्की करता है दुनिया के अंदर जब कोई शख्स प्रोग्रेस करता है दुनिया के अंदर जब कोई शख्स आला मकाम पर फायज होता है तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं समाज और माशरे के अंदर जो उस शख्स से हसद करने लगते हैं उस शख्स से जलने लगते हैं उस शख़्स से उस मनसब उस मकाम को छीन जाने की दुआएं करने लगते हैं लेकिन बाप ऐसी शख्सियत है जो अपनी औलाद के ताल्लुक से कभी हसद नहीं करता बाप ही वो शख्सियत है जो अपनी औलाद के चैन अपनी औलाद के इत्मीनान, अपनी औलाद के सुख के लिए अपनी रातों को नींद हराम कर देता है बाप ही वो शख्सियत है जो खुद फटे पुराने लिबास पहन करके अपनी औलाद को नए कपड़े पहनाना चाहता है बाप ही वो शख्सियत है जो अपनी औलाद की खुशी के लिए अपने पीठ के ऊपर बोरिया लाद करके कभी कुली बन जाता है तो कभी अपने हाथों से हाथ गाड़ी खींच करके जो बहुत वज़नी होता है उसको खींच करके अपने एक एक पसीने की बूंद से अपने बच्चों के लिए खुशियाँ फराहम करता है बाप ही वो शख्स है जो अपनी औलाद की खुशी के लिए अपने औलाद के चैन और उनकी आसानी उनके आराम के लिए कभी अपना घर छोड़ता है तो कभी अपना गांव छोड़ता है तो कभी अपना जिला छोड़ता है तो कभी अपना स्टेट और सुबह छोड़ता है और कभी कभार ऐसा होता है कि सात समंदर पार बाप चला जाता है और दो साल तीन साल तक वहाँ रहता है दूसरों की ग़ुलामी करता है दूसरों की मजदूरी करता है और अपने बच्चों की आशाइश के लिए अपने बच्चों के आराम के लिए वहाँ से पैसे भेजता रहता है कि मैं ख़ुद तो परेशानी बर्दाश्त कर लूँ लेकिन मेरे बच्चे परेशानी को ना देखें उनके ऊपर परेशानी कभी ना आए तो नजरेन कराम ये है बाप बाप की इंसानी ज़िंदगी में क्या कदर कीमत होती है बाप ही वो शख्स होता है कि घर के अंदर उसी के बनाए हुए कानून उसी के बनाए हुए रूल्स उसी के बनाए हुए जवाब पर घर के लोग चलते हैं वो घर का निगरा होता है औलाद के लिए वो सायादार दरख्त की तरह होता है इसीलिए शरीत इस्लामिया ने भी बाप की कदर कीमत को समझा है इसीलिए शरीत इस्लामिया ने भी बाप की फजीलत को बतलाया है इसीलिए शरीत इस्लामिया ने भी बाप के साथ हसन सलूक का हुक्म दिया है आइए हम देखते हैं कुरानी करीम के अंदर अल्लाह रबुआमिन ने क्या कहा रबालमिन ने कहा व अबाल व तुश्रीकूब ही शै वालसाना अल्लाह रब्लमिन ने बयान फरमाया कि लोगों अल्लाह की इबादत करो उसके साथ किसी को शरीक ना करो और अपने वालदेन के साथ हुसने सुलूक करो अल्लाह ने वालदेन कहा वालदेन के अंदर बाप भी आता है यानी जिस तरह आपको ये हुक्म दिया गया अपनी वालदा के साथ हुसने सलूक कीजिए इसी तरीके से आपको यह भी हुक्म दिया गया है कि अपने बाप के साथ हुसनि सलूक कीजिए एक दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया वहीज अखदना मीसा कबनी का बनी तब्लाबिलदीन एहसाना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल से जो अहद लिया था जो पैमान लिया था उनमें एक चीज़ ये भी थी कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करो खालिस अल्लाह वाहिद की इबादत करो और अपने वालदे के साथ हुसन सलूक करो नजरिन कराम आप जानते हैं कि वालदे में वालिद भी आता है और अल्लाह रबालमिन ने दोनों के साथ हसन सलूक का हुक्म दिया है जिस तरह माँ के कदमों के नीचे जन्नत है जैसा कि एक हदीस के अंदर है हजरत मुआविया रजी अल्लाह रावी हैं वो कहते हैं कि अन्ना जाहिमत जाअल नबी सला वसलम वकाल या रसोल्ला इन्नी आदतुआ वज तोशीरुका कहते हैं कि जाहे मज़िल्ला हो, नबी करीम सल्ला वसलम के पास आए और कहा या रसोल्ला सल्ह वसम मुझे गजवे में जाना है मैं गज़वे में जाना चाहता हूँ और आपके पास मैं मशवरा तलब करने के लिए आया हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या तेरी माँ जिंदा है उन्होंने कहा हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ उसकी खिदमत करो इसलिए कि जन्नत उसके क़दमों के नीचे है इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है लेकिन जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत माँ के क़दमों के नीचे है वहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि बाप जन्नत का दाखिली दरवाज़ा है जन्नत का बुलंद दरवाज़ा है जैसा कि एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया रज़ी दरदार तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक शख्स उनके पास आया और कहा कि मेरी माँ ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अपनी बीवी को तलाक़ दे दूँ एक दूसरे रवायत के अंदर है कि मेरे बाप ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अपनी बीवी को तलाक़ दे दूँ अबू दरदार रज़ी तन कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है अलिद औसत अब विल जन्न की एक बाप जन्नत के दाखली दरवाज़ों में से जन्नत के बुलंद दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है अगर तुम चाहते हो तो उसकी इत करके उसकी फरमा बरदारी करके शरीयत की रोशनी में उसकी बातों को मान करके इस दरवाज़े की हफाजत करो और अगर तुम चाहते हो तो उसकी हुक्म आदूली करके उसकी नाफरमानी करके उसकी बातों को ना मान करके उस दरवाज़े की हिफाजत ना करो तो नजरे ने किराम जैसा कि हमने बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां ये कहा कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बयान फरमाया कि बाप जन्नत के बुलंद दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है अलमा अब्दुलरमान मबारकपुरी तोहफ़त लावी के अंदर लिखते हैं कि औसत का माना होता है आला व खैरू हा यानी जन्नत के बुलंद तरीन दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है लिहाजा अगर कोई शख्स चाहता है कि जन्नत के अंदर बुलंद मकाम पर जाए तो उसे चाहिए कि अपने वालिद की इत करे अपने वालिद की फर्मा बरदारी करे नजरेन कराम एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल वम ने बाप की नाराज़गी को रब की नाराज़गी करार दिया है और बाप की खुशी को रब की खुशी करार दिया है एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया अब्दुल्ला बिनुमर रजा अन्हुमा इसके रावी हैं वो कहते हैं रिजा रब्बी फ़ी रजालद व सखत रब्बी फ़ी सखत सुनन तिलमिजी की हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया वालिद का क्या मक़ाम है वालिद का क्या मर्तबा है वालिद की क्या हैसियत है वालिद को शरीयत अपनी औलाद के लिए किस निगाह से देखती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वालिद अगर नाराज़ हो जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज़ हो जाता है वालिद अगर खुश है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो जाता है यानी यह हदीस हमें इस बात पर उभारती है इस बात पर आमादा करती है इस बात की तरफ हमें दावत देती है कि हमें अपनी जुबान से अपने हाथ से अपनी हरकत सकनात के ज़रिए से अपने वालिद को खुसूसी तौर पर किसी भी तरह की अजियत ना पहुँचाई जाए किसी भी तरह की तकलीफ ना दी जाए जिससे वो नाराज़ हो जाए और उसके नाराज़ होने की सूरत में आलमीन नाराज़ हो जाए तो ये वालिद के मकाम और मर्तबे को शरीयत ने बयान किया है कि वालिद का क्या मकाम होता है इंसानी ज़िंदगी में वालिद की क्या हैसियत होती है शरीयत की रोशनी में एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि कोई भी शख्स अपने बाप की कुर्बानियों अपने बाप के इतार उसकी महबतों उसकी शफकतों उसके प्यार का बदला नहीं दे सकता है सिवाय एक सूरत में अल्लाह के नबी वसल्लम ने बयान फरमाया अब हरे इसके रावी हैं वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, फरमायाद कोई भी शख्स कोई भी बच्चा कोई भी लड़का अपने बाप की कुर्बानियों का बदला नहीं दे सकता सिवाय एक सूरत की वो सूरत क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ ये और बात है एक सूरत है कि एक बच्चा एक लड़का अपने बाप को किसी के यहाँ ममलूक पाए ग़ुलाम पाए किसी का गुलाम पाए वो किसी का गुलाम है वहाँ से छुटकारा नहीं पा रहा है किसी ने उसको ख़रीद करके अपना ग़ुलाम बना लिया है तो बच्चा अपने उस बाप को उस शख़्स से ख़रीद करके आज़ाद कर दे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो थोड़ी बहुत उम्मीद की जा सकती है कि हाँ इस शख्स ने अपने बाप के हक को अदा कर दिया है अपने बाप की कुर्बानियों का बदला पूरा कर दिया है लेकिन नाजरीन ने कराम आप जानते हैं हम शरीयत पढ़ते हैं शरीयत पढ़ाते हैं शरीयत की बातों को सुनते हैं शरीयत की बातों पर अमल करते हैं आज कहाँ हैं वो लोग जो अपने बाप की इतनी कदर व कीमत करते हैं जो अपने बाप की नाराज़गी से डरते हैं जो अपने बाप को खुश करने की कोशिश करते हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा बाप राजी रहे हमसे मेरा बाप मुझसे नाराज़ ना हो और हम ये भी जानते हैं कि आज के माहौल में आज के दौर में हम अपने बाप को किसी का गुलाम नहीं पा सकते क्योंकि वो दौर दूसरा था उस वक्त ये तिजारत आम थी उस वक्त ये चीज़ जायज़ थी जाहिलियत के अंदर कि कुछ लोग इंसानों की तजारत किया करते थे गरीब होते थे उनको पकड़ करके दूसरों के यहाँ बेच दिया करते थे वो उनका ग़ुलाम रहता था मुकम्मल तौर पर उनका हक रहता था वो उनमें मुकम्मल तौर पर तसल्लुत रखते थे लेकिन आज के दौर में ये चीज़ नामुमकिन है हम नहीं कर सकते लिहाजा एक शख्स को चाहिए कि वो अपने बाप के साथ उसने सलूक करे उसको राजी करने की कोशिश करे और उसको नाराज ना करे उसके नाराज होने के असबाब से बचता रहे इसी तरीके से शरीय इस्लामिया ने यह भी हुक्म दिया है कि अगर किसी का बाप इंतकाल कर गया किसी का बाप इस दुनिया में नहीं रहा तो शरीत इस्लामिया ने यह कहा है नबी करीम वसल्लम की हदीस है कि जो अपने बाप के साथ उसकी कब्र में रहमी करना चाहता है उसे चाहिए कि अपने बाप के दोस्तों से अपने बाप के भाइयों से सिला रहमी करे अब्दुल्ला बिन उमर रज्ला उनकी आदत मुबारक थी कि जब वो मक्का से निकलते थे तो अपने साथ एक गधा ले लिया करते थे तफरीह के लिए ताकि जब कभी वो ऊंट की सवारी करते करते थक जाएं तो गधे पर बैठ जाएं। अब्दुल्ला बिन उमर रज्ला चल रहे थे रास्ते में एक मरतबा एक आराबी मिला अब्दुल्ला बिन उमर रजील्लाुमा उससे पूछते हैं कि तुम फला बिन फला हो वो कहता है कि हाँ मैं फला बिन फला हूं अब्दुल्ला बिन उमर रजील्लाहुमा अपना गधा उस शख्स को दे देते हैं और अपनी पगड़ी उठा करके उस शख्स को पहना देते हैं जब वो शख्स चला जाता है एक साहब पूछते हैं अब्दुल्ला बिन उमर रजील्ल्लु तहों के जो साथ होते हैं वो कहते हैं कि अय अब्दुल्ला बिन उमर ये तो आराबी लोग हैं ये तो बद्दू लोग हैं अगर आप उनको थोड़ी सी चीज़ दे देते तो वो लोग राज़ी हो जाते अब्दुल्ला बिन उमर ताला अनुमा कहते हैं कि मैंने नबी करीम वसल्लम को फरमाते हुए सुना है सबसे बड़ी नेकी ये है सबसे अजीम ने की यह है कि एक शख्स अपने बाप के जान पहचान वाले लोगों के साथ अपने बाप के दोस्तों के साथ रहमी करे और ये शख्स उबर बिन खत्ताब ताला के दोस्तों में से था तो नजर कराम आपने देखा कि शरीय इस्लामिया ने किस तरह बाप की तादीम की है किस तरह बाप के साथ हुस्ने सुलूक का हुक्म दिया है कि अगर बाप जिंदा नहीं है तो उसके दोस्तों के साथ आप हुस्ने सुलूक करें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया अपने बाप के साथ बड़ा मशहूर है इब्राहिम का बाप बुत गर था बुत बनाने वाला था गैरुल्ला की पूजा करने वाला था लेकिन उसके बाद भी इब्राहिम ने अपने बाप के साथ हुसन सुलूक किया अपने बाप के साथ एहसान किया अपने बाप की फर्मा बरदारी की अपने बाप को नेके की दावत दी नेके की तरफ बुलाया और बड़े प्यार भरे अंदाज में बड़े शफकत के अंदाज में कहा या अबती लिमाता अबूदो माला यस्म वला युब फिर वला युगनीान का शैया अब्बा जान मेरे अब्बा जान आप इन मोदों की इन पत्थर से तराशे हुए बुतों की पूजा क्यों करते हैं ये तो ना तो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं ना आपको फायदा पहुंचा सकते हैं ना आपकी बात को सुनते हैं ना समझते हैं ना किसी चीज़ से आपको बेनियाज कर सकते हैं इस आयती करीमा के अंदर आप गौर कीजिए इब्राहिम आसमाम ने कहा अब्बा जान उनका बाप बुतगर था बुत बनाने वाला था गैरुल्ला की परस्तिश करने वाला था लेकिन उसके बाद भी इब्राहिम आसमाम ने अब्बा जान कह करके अपने बाप का एहतराम किया जो कि मुशरिक थे अपने बाप की कदर की बाप ने कहा यहाँ से हट जा चला जा वरना मैं पत्थरों से मार मार के तुझे हलाक कर दूंगा उसके बाद भी इब्राहिम आसमाम ने सख्त लहजे में करख्त लहजे में जवाब नहीं दिया बल्कि कहा कि ठीक है अब्बा जान मैं जाता हूँ और मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपकी बख्शिश की दुआ करता रहूँगा लेकिन जैसा कि हमें मालूम है कि शरीयत इस्लामिया ने मुशरिकों के लिए दुआ करने से रोक दिया है लिहाजा इब्राहिम भी अपने बाप के हक में दुआ करने से रुक गए तो नजरन कराम ये है इंसानी जिंदगी में बाप की कदर और उसकी अहमियत शरीत इस्लामिया ने भी जिसको बाकी रखा है और शरीत इस्लामिया ने भी यह हुक्म दिया है कि बाप के साथ हुसन सलूक से पेश आया जाए बाप के साथ एहसान किया जाए और जायज़ चीज़ों में बाप के हुक्म को माना जाए बाप की फरमाबरदारी की जाए इसी बात पर आज की नशिस्त ख़त्म होती है अल्लाह रबालम से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बाप की अहमियत को समझने और उसके साथ हुसन सुलूक की अता फरमाए आमीन व सल्लल्लाहु व तलक़ ही व वाल वसा व वसलम वरम वबरक